नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मार्च 2020 का जो है करंट अफेयर्स उसका पार्ट टू देखेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, IITF कैलेंडर प्लस ओमान ओपन पूरे सेकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा अचंता शरद कमल। अचंता शरद कमल ने जो है मार्कोस फ्रिटास को हरा कर जो है खिताब जीता, यानी सही उत्तर हो जाएगा ए, मार्कोस फ्रिटास जो है पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। बात करें ओमान की, तो ओमान की राजधानी जो है मस्कट और ओमान की मुद्रा है ओमानी रियाल। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टर एक्सलेसन ने जो है डेनमार्क खिलाड़ी है, इन्होंने चीनी ताइपे के चो तिएन चेन को जो है हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब जो है चीनी ताइपे की ताई जू इंग महिला एकल का खिताब ताइजू इंग और पुरुष एकल का खिताब जो है विक्टर एक्सलेसन ने जीता। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य सरकार मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन ए, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम जो है बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन किया जाएगा। बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जो है फ्लिपकार्ट ने उसने व्यापक बीमा समाधान के लिए एगान लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो है करार किया है। इस करार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको चुनना है। यह करार जो है उन ग्राहकों को लक्षित करता है जो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि के साथ त्वरित डिजिटल नीतियों की मांग कर रहे हैं। तो यह जो है ऑप्शन ए सही है। इसमें जो है 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की जो है बीमा पॉलिसियों की पेशकश की जानी है और इसमें अलग अलग ऑफर्स होंगे। इसमें 1 लाख रुपए की बीमा राशि के लिए जो है 129 रुपए से शुरू होने वाले प्रीमियम भी शामिल है और जो है इन जीवन बीमा पॉलिसियों को जो है चिकित्सा परीक्षणों या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी ऑप्शन सही है। इसमें जो है एक प्रकार का त्वरित जीवन बीमा कवर है। इसके मूल जो है मूल्य प्रस्ताव के रूप में डिजिटल पॉलिसी के रूप में कुल मिला के किया गया है, तो इसमें कोई चिकित्सा परीक्षण या कागजी कार्रवाई नहीं होगी और इस पॉलिसी की उपलब्धता 18 से 65 वर्ष के बीच के फ्लिपकार्ट के मौजूदा ग्राहकों तक ही सीमित होगी। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। इस पुस्तक को जो है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने दोनों ने मिलकर लिखा है। यह जो है पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के जीवन पर एक किताब है। तो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर। नेक्स्ट, केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडविया द्वारा मुंबई और मंडवा महाराष्ट्र के बीच जो है एक फेरी सर्विस जिसे रोपेक्स भी कहते हैं की शुरुआत की गई है। इसमें जो चलने वाला जहाज़ है उसका निर्माण किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीस। उस जहाज का निर्माण जो है ग्रीस में किया गया है, यानी ऑप्शन सी है। इस जहाज़ में जो है 200 कारों और 1000 यात्रियों को जो है ले जाने की क्षमता है। साथ ही इस यह मानसून के दौरान भी चलने में सक्षम है। नेक्स्ट, COVID-19 महामारी के चलते सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा फिलीपींस। फिलीपींस जो है COVID-19 के चलते सभी वित्तीय बाजारों को जो है बंद करने वाला पहला देश बना और इसने जो है 17 मार्च को अपने सभी फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज को जो है निश्चित काल के लिए बंद कर दिया था, जबकि मुद्रा और बांड व्यापार भी निलंबित कर दिया गया था। बात करें जो है फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला में है और फिलीपींस की जो मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने साइबर ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैरा स्पोर्ट सहित विभिन्न कौशलों में अपने अंगों को खोने वाले अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा CRPF। CRPF के जो है महानिदेशक AP माहेश्वरी की मौजूदगी में जो है बल और जो NGO है आदित्य मेहता फाउंडेशन उसके बीच जो है इस समझौता के अपन या MOU पे जो है हस्ताक्षर किया गया। इस MOU का जो है उद्देश्य है ऐसे कर्मियों के लिए नए अवसर पैदा करना जो अपना अंग खोने के बावजूद जो है बल का अभिन्न अंग बने हुए हैं। बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की, तो यह
जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। सीआरपीएफ की जो प्राथमिक भूमिका है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस संचालन में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और इसकी स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और इसका जो आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रविंदर सिंह ढिल्लन, यानी ऑप्शन ए, रविंदर सिंह ढिल्लन को जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो हेडक्वार्टर है या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा एटलेटिको डी कोलकाता, या एटीके ने जो है यह खिताब जीता, यह इसका जो है तीसरा खिताब था। इसने जो है चेन्नईयन एफसी को हराकर यह खिताब जीता। इंडियन सुपर लीग अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तत्वाधान में जो है आयोजित की जाने वाली एक फुटबॉल लीग है। यह आई लीग सहित जो है भारत में आयोजित की जाने वाली दो प्रमुख फुटबॉल लीगों में से। हाल ही में जयराम कुलकर्णी का निधन हो गया, वे थे? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनेता जयराम कुलकर्णी, एक मराठी अभिनेता थे, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। नवाचार सुगम भारत अभियान का संबंध किससे है इसमें? तो इसका सही उत्तर होगा विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने से। तो हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेस्काम फाउंडेशन द्वारा जो है विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त रूप से जो है नवाचार सुगम भारत अभियान जो है शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों के मदद से सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर तक पहुँच प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। नवाचार सुगम भारत अभियान जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेस्काम फाउंडेशन का संयुक्त रूप से विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर शुरू किया गया है। तो ये तो याद रखना है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट और नेस्काम द्वारा, और ये तीनों विभाग भी याद रखना है, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रेक द चेन नाम से एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभी जो है केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रेक द चेन नाम से एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान को जो है शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य जो है लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर हाथ धोने के हैंडवाश की बोतलों के साथ पानी के नल लगाए जाएंगे। साथ ही केरल सरकार ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि जब वे बाहर हों तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके अलावा राज्य में सभी कार्यालयों में सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रेक द चेन किस राज्य का जो है अभियान है? केरला का। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरला के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और पेरियार नेशनल पार्क भी जो है केरला में ही है। आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 मार्च। प्रत्येक वर्ष जो है 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी की शुरुआत जो है कोलकाता के जो है कोसीपोर में 18 मार्च 1802 में की गई थी। और बात करें OFB की, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो इसको जो है फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस और फोर्थ बिहाइंड द आर्म फोर्सेज भी जो है कहा जाता है। आयुध निर्माणी बोर्ड के महानिदेशक एवं अध्यक्ष वर्तमान में हैं हरिमोहन। और आयुध निर्माणी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वह है कोलकाता में। नेक्स्ट, होमोस्टेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? अभी हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो है स्टार्च आधारित होमोस्टेट सामग्री तैयार की गई है। यह जो है सामग्री रक्त में प्राकृतिक थक्के कारकों को जो है केंद्रित करती है जो रक्त से बहने के जो है रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी होमोस्टेट सामग्री जो होता है खून में थक्का बनाने वाली प्राकृतिक कारकों को गाढ़ा करते हुए अतिरिक्त द्रव को अवशेषित करती है जो रक्तस्राव को जो है रोकने के लिए जरूरी है।
तो इस प्रकार जो है इसका पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसे विकसित किया गया है और यह एक स्टार्च आधारित सामग्री है और यह जो है सामग्री रक्त में प्राकृतिक थक्के के कारकों को केंद्रित करती है जो रक्त में बहने से रक्त को जो है बहने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के जो है निदेशक हैं अमिताभ पात्रा। नेक्स्ट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा सतीश कुमार गुप्ता, यानी ऑप्शन है सतीश कुमार गुप्ता जो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए जो है अभी वीजा के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ अब पेटीएम वित्त वर्ष 2020-2021 में जो है 10 मिलियन से अधिक नए डिजिटल डेबिट कार्ड जारी कर सकेगा। साथ ही जो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अपने ग्राहकों को वीजा वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करेगा और कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने वाले सभी व्यापारियों को लेन देन करने की जो है सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा यह अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भी सक्षम बनाएगा। और बात करें यह जो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड सभी तेजी से बढ़ते बैंक खातों की संख्या साथ साथ अभी जो है रुपे डेबिट कार्ड जारी करने वाला सबसे बड़ा जारीकर्ता भी जो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। इंडियन गैस एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंडियन गैस एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। यह जो है भारतीय ऊर्जा विनिमय अंग यानी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का ही एक जो है अंग है। यह कुशल और टिकाऊ गैस बाजार को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने तथा देश में गैस व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत का जो है पहला स्वचालित स्तर का जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसने हाल ही में जो है अपना सदस्यता फरवरी में सदस्यता अभियान जो है शुरू किया था। उसके तहत जो है मणिकरण पावर लिमिटेड इंडियन गैस जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का जो है पहला सदस्य बना। तो इस प्रकार जो है इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और इंडियन गैस एक्सचेंज के जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं राजीव श्रीवास्तव। नेक्स्ट, गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? इसका सही उत्तर होगा करण बाजवा जो है गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक जो है बने हैं। नेक्स्ट, सातवें वर्ल्ड सिटी समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर, यानी ऑप्शन ए। सार्वजनिक प्रशासन और शहरों के सतत विकास का जो है सातवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है सिंगापुर के में जो है 5 से 9 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इसे सिंगापुर के सेंटर फॉर लाइवेबल सिटीज और शहरी पुनर्विकास प्राधिकरण द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा। इसका जो है मुख्य विषय है लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एडाप्टिंग टू डिसरप्टेड वर्ल्ड। और जो है इस सम्मेलन के लिए जो है सिंगापुर सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है आमंत्रित किया है। योगी आदित्यनाथ को जो है इस सम्मेलन में सिंगापुर के द्वारा जो है आमंत्रित किया गया है। बात करें सिंगापुर की तो सिंगापुर की जो है राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। IIT कानपुर और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने औद्योगिक और सुरक्षा संरचना साइबर सुरक्षा पर मिलकर जो है अनुसंधान करने के लिए भी यह समझौता किया है। इस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके जो है सही कूट चुनना है। तो अभी जो है L&T के CEO प्रबंध निदेशक केशव पांडा और IIT कानपुर के उप निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल द्वारा जो है इस बहुवर्षीय समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। ये दोनों जो है संयुक्त रूप से IIT कानपुर परिसर में जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र का जो है स्थापना करेंगे और यहाँ पे जो है एक हनीपोट स्थापित किया जाएगा। हनीपोट का मतलब होता है साइबर अटैक करने और हैकिंग के प्रयासों का अध्ययन करने के लिए जो है स्थापित नेटवर्क केंद्र होता है उसको हनीपोट बोलते हैं। तो यह यानी ऑप्शन ए भी सही है। एक सेंटर एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा कानपुर परिसर में ही और हनीपोट को भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही जो है यहाँ पे घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मैलवेयर विश्लेषण ब्लॉकचेन अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन आदि पर जो है अनुसंधान होगा। साथ ही जो है प्रवेश परीक्षण और साइबर जागरूकता के क्षेत्र में जो है ये दोनों मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान करेंगे। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन तीन भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अदनान अलजुर्फी, यानी ऑप्शन ए। अदनान अलजुर्फी जो है इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये
आदिल अब्दिल महदी का जो है स्थान लेंगे, और बराहम जो साले हैं ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं इराक के। इराक की राजधानी जो है बगदाद है, और इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट, युगांडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति हुई है? इसका सही उत्तर होगा ए अजय कुमार। ए अजय कुमार जो है युगांडा गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। बात करें अन्य ऑप्शन की तो अभिषेक सिंह जो है वेनेजुएला में, जावेद अशरफ फ्रांस में, और विनय मोहन पात्रा जो है नेपाल में उच्चायुक्त में इनकी जो है नियुक्ति की गई है। और युगांडा की जो है राजधानी जो है कंपाला है, और युगांडा की मुद्रा जो है शिलिंग, और युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस विमान के संबंध में निम्नलिखित जो है विकल्पों पर विचार करके सही उत्तर चुनें। तो अभी जो है वायुसेना के लिए जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 83 स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान जो है खरीदने की अनुमति दी है। देश में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान की खरीद से जो है मेक इन इंडिया अभियान को भी जो है बल मिलने की संभावना है, क्योंकि इन विमानों को स्वदेशी रूप से जो है डिजाइन किया गया है। और इसके साथ ही जो है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 1300 करोड़ रुपये के जो है स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी है। अब यहाँ पर प्रश्न जो पूछा हुआ है तेजस विमान के संबंध में पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है। तो तेजस विमान जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तो ए ऑप्शन सही है। और तेजस को जो है डीआरडीओ के द्वारा जो है डीआरडीओ के तत्वाधान में एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी यानी विमान विकास एजेंसी के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी भी सही है। और इसका निर्माण जो है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, तो इसका आपका जो है सी सही है। तो इस प्रकार उत्तर आपका जो हो जाएगा डी। नेक्स्ट, माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भालचंद मुंगेकर, यानी ऑप्शन बी भालचंद मुंगेकर जो है माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के जो है लेखक हैं। भालचंद मुंगेकर भारत के जाने माने शास्त्री और पूरा सभा सदस्य हैं। इस पुस्तक का जो है विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और शरद पवार, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है महासचिव डी राजा और भाकपा के महासचिव सीताराम येचुरी की उपस्थिति में जो है किया गया। तरुण विजय की भी जो अभी हाल ही में पुस्तक आई थी, पुस्तक का नाम था इनवेंसिबल और ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई बने हैं, वे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? प्रश्न जो है प्रश्न में पूछा है कि वे भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46वें। रंजन गोगोई जो थे वो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। अभी जो है इन्होंने राज्यसभा की जो है सदस्यता ग्रहण की है। इन्होंने जो है KTS तुलसी की के जो है सेवानिवृत्त होने के बाद जो सीट खाली जो स्थान खाली हुई थी राज्यसभा में, उसकी जगह पर जो है इनको इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। नेक्स्ट, COVID-19 महामारी के दौरान भारत में जनता कर्फ्यू किस दिन लगा? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को जो है पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लागू हुआ था। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के लिए 16,479 लाइट मशीन गन की खरीद के लिए किस देश की कंपनी के साथ 880 करोड़ रुपये की पूंजी अधिग्रहण का जो है अधिग्रहण अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा इसराइल। इसराइल की इसराइल वेपन्स इंडस्ट्री के साथ जो है यह समझौता किया गया है। इसके तहत जो है रक्षा मंत्रालय ने नेगेव उसका नाम है नेगेव 7.62x51mm LMG जो है खरीदा जाएगा 16,479। और बात करें 28वें सेनाध्यक्ष की तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इस साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2013 से दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए जो है यह दिवस
मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1480 करोड़ रुपए के खर्च से स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। इस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मिशन जो है 4 वर्षों की अवधि के लिए 2020-21 से 2023-24 तक के लिए की गई है। तो इसका जो है ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। यह मिशन जो है विभिन्न प्रमुख मिशनों के साथ साथ देश के कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग पर केंद्रित है। यह मिशन जो है युवा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान मानकों और स्नातकों के साथ साथ नवाचार और उष्मायन केंद्रों के निर्माण और स्टार्टअप और वेंचर के संवर्धन के साथ साथ नवाचार करने की दिशा में भी काम करेगा। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे जो है तकनीकी वस्त्रों का मतलब क्या है? तकनीकी वस्त्र या सामग्री या तकनीकी उत्पाद ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य विशेषताओं के बजाय उनके तकनीकी गुणों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए जो है निर्मित किया जाता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री इस समय कौन है? स्मृति ईरानी। हाल ही में रोजर मेवेदर का निधन हो गया, वह थे, इसका सही उत्तर होगा मुक्केबाज, बॉक्सर, विश्व चैंपियन जो है मुक्केबाज थे रोजर मेवेदेवर, और अमेरिका के थे। अभी इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। DBS बैंक इंडिया ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर सभी चिकित्सा परिषदों सहित COVID-19 के कवर करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बीमा योजना को लॉन्च किया है? DBS बैंक ने जो है भारतीय एक्सा के साथ जो है मिलकर इस COVID-19 को जो है कवर करने वाली कॉम्प्लीमेंट्री बीमा योजना को लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय एक्सा के जो MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन। इस बीमा योजना में जो है अस्पताल में 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक भर्ती होने के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन का जो है कवर भी शामिल किया गया है। DBS के सभी ग्राहक जो है DG बैंक ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा की सुविधा का जो है लाभ ले पाएंगे। साथ ही इसके साथ इमरजेंसी ग्लोबल मेडिकल असिस्टेंस प्रोग्राम की भी जो है पेशकश किया जाएगा, जो चिकित्सा सहायता के लिए 24/7 पहुँच की जो है सुविधा प्रदान। व्हाट्सएप ने वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए जो है व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने इस चैटबॉट को निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस इन्फॉर्मेशन हब को जो है व्हाट्सएप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है तीनों के साथ मिलकर जो है शुरू किया है। इस हब को जो है संचार के लिए व्हाट्सएप पर निर्भर रहने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं, स्थानीय सरकारों, स्थानीय व्यवसायों के लिए जो है उनके लिए सरल कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के जो है उद्देश्य से इसको जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही इससे अफवाहों को फैलने से रोकने और सटीक स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो है भी शुरू किया गया है। और बात करें अगर WHO की, तो WHO का जो है हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और बाकी जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो इसमें महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहनम, और जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो हैं अचीम स्टेनर, और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी तरह के वनों के महत्व के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन जो है देशों को वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है। इन गतिविधियों में जो है वृक्षारोपण अभियान भी शामिल है। अब की बार जो है इस दिवस का जो है विषय है फॉरेस्ट्स एंड बायोडायवर्सिटी। फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी यानी वन और जैव विविधता। नेक्स्ट, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिटा और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC के बीच जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास और हितधारकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए जो है कृषि निर्यात हेतु परस्पर सहयोग करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
जो है इस समझौते के तहत जो है एपिडा और एसएफएसी जो है संयुक्त रूप से निर्यातकों के साथ जो है एफपीओ को जोड़ने के लिए काम करेंगे। तो यानी ऑप्शन ए सही है, एपिडा और एसएफएससी संयुक्त रूप से जो है निर्यातकों के साथ किसान उत्पादक संगठन जो एफपीओ हैं उसको जोड़ने के लिए काम करेंगे। साथ ही जो है वे क्षमता निर्माण जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न हितधारकों की कार्यशालाओं की दिशा में भी काम करेंगे, यानी ऑप्शन बी भी सही है। एपिडा जो है एसएफएससी के द्वारा जो है एफएससी द्वारा सहायता प्राप्त या चिन्हित किए गए किसान निर्माता कंपनियों द्वारा जैविक उत्पादक क्षेत्रों के प्रमाणीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस प्रकार उपयुक्त इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। अब एपिडा क्या है? एपिडा जो है फल सब्जियों और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद जैसे उत्पादों का निर्यात और संवर्धन और उसके विकास की जिम्मेदारी जो है एपिडा के पास में ही है। इसके अलावा इस पर जो है चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी भी है। बात करें जो है एसएफएसी की, तो एसएफएसी जो है छोटे और सीमांत किसानों को किसान हेतु किसान हित समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनी को संगठित करता है और छोटे और सीमांत किसानों को जो है कृषि निवेशों की सुलभता और सस्ती उपलब्धता के लिए एक जो है मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष को जो है 21 मार्च को जो है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है दिसंबर 2011 में डाउन सिंड्रोम के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में जो है घोषित किया था। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2020 को जो थीम है वी डिसाइड, जो है डाउन सिंड्रोम रोग जो है एक आनुवंशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण जो है गुणसूत्र 21, गुणसूत्र संख्या 21 जो है उसमें अतिरिक्त आनुवंशिकी जो है सामग्री की जब उपस्थिति हो जाती है तब उसकी वजह से यह रोग होता है। इस रोग यह रोग जिसको होता है उसके चेहरे की जो है पहचान स्पष्ट रूप से आसानी से हो जाती है। इसके कारण जो है जो इस रोग से ग्रसित होता है उसकी बुद्धि जो है कमज़ोर होती है, विकास देर से होता है और इसके साथ ही जो उसमें थायराइड या दिल का रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल। पीके बनर्जी एक जो है महान भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्होंने यह जो है 3 एशियाई खेलों 1958 का जो टोक्यो में हुआ था, 62 का जकार्ता में और 66 का जो बैंकॉक में हुआ था, तीनों एशियाई खेलों में जो है भाग लेने वाले जो भारतीय टीम के जो है हिस्सा रहे थे। 1962 में जो है भारत ने एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक भी जीता था, उस टीम का भी ये हिस्सा थे। नेक्स्ट, फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन पर काम करने वाले उन लोगों की मदद के लिए जो वैश्विक कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रभावित हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस नेटफ्लिक्स इंक ने कितनी धनराशि का जो है फंड तैयार करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा $100 मिलियन। $100 मिलियन के जो है धन जो है इसने फंड तैयार करने की घोषणा की है नेटफ्लिक्स इंक ने। इसके तहत जो है कलाकारों और क्रू मेम्बर जैसे इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, ड्राइवर आदि और अन्य दैनिक कर्मचारियों को जो है मदद की जाएगी। बात करें नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स इंक के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है रीड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने अपने मिशन स्वावलंबन के तहत जो है नवोदित उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 5 जून 2020 को एक विशेष ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यह ट्रेन जो है 15 दिनों में 11 शहरों तक शहरों का जो है दौरा करेगी और 7000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। तो यह सही है। उद्यम चलाने के वित्तीय और गैर वित्तीय पहलुओं के बारे में युवाओं के बीच उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20 कार्यशालाएँ और इंट्रैक्शन आयोजित किए जाएंगे। यह भी सही है। इसमें प्रतिभागी व्यक्तियों की आयु 18 से 35 वर्ष होगी। तो यही जो है ऑप्शन गलत है। इसमें जो प्रतिभागी व्यक्तियों की आयु जो होगी 20 से 35 वर्ष के बीच जो है होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, इस ट्रेन को जो है सफ़र जो है लखनऊ से शुरू होगा और वाराणसी में समाप्त होगा। तो यह भी ऑप्शन सही है। लखनऊ से शुरू होने के बाद जम्मू, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता होते हुए अंत में जो है वाराणसी तक जाएगी।
साथ में जो इसके अलावा अन्य जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि यह ट्रेन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024-25 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण पर भी है जो ध्यान केंद्रित करेगी। साथ ही इसमें यह भी योजना बनाई गई है कि इसमें 150 से अधिक विशेषज्ञ और संरक्षक अपनी विशेषता और अनुभवों को जो है साझा करने और मिलने के लिए जो है एक साथ यात्रा करेंगे। बात करें सीडीबी की, तो सीडीबी की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो यह है क्रेडिट कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एन सी सेल, इसके साथ जो है SBI 200 करोड़ रुपए तक के फंड की सुविधा देगा जो 30 जून 2020 तक उपलब्ध होगा। तो यह ऑप्शन सही है। CECL 12 महीने तक के डिमांड लोन के रूप में 7.25% की ब्याज दर पर मिलेगा, यह भी सही है। यह सुविधा उन सभी मानक खातों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें 16 मार्च 2020 तक स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी SMA 1 और SMA 2 के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। यही जो है गलत है। इन्हीं दो जो है जो SMA 1 और SMA 2 को छोड़कर बाकी सभी मानक खातों के लिए उपलब्ध रहेगी। और चौथा ऑप्शन है CECL सुविधा के तहत उधारकर्ताओं को 200 करोड़ रुपये तक के आधार पर कार्यशील पूंजी की सीमा मौजूदा फंड का अधिकतम 10% लाभ उठाने की जो है अनुमति होगी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब SMA 1 या SMA 2 क्या होता है? इसका मतलब जो होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स वन, इसमें जो होता है वे खाते सम्मिलित होते हैं जिनकी जो ओवर ड्यू पीरियड 31 से 60 दिनों तक होती है, और जबकि SMA 2 में जो है ओवर ड्यू पीरियड 61 से 90 दिनों के बीच में होती है। यानी SMA 1 में जो है ओवर ड्यू पीरियड जिन खातों की 31 से 60 दिनों के अंदर होती है वो SMA 1 में आते हैं, जबकि SMA 2 में जिन खातों की ओवर ड्यू पीरियड 61 से 90 दिनों तक होती है वो SMA 2 में आते हैं। तो ऐसे खातों को छोड़कर बाकी जो है सभी खातों के लिए यह सुविधा जो है उपलब्ध रहेगी। ICICI लोम्बार्ड ने कोविड-19 रोगियों को कवर करने के लिए जो है पॉलिसी को जो है लॉन्च किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पॉलिसी का जो है प्रीमियम 249 रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें जो है 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। तो यही कथन पहला कथन ही सत्य नहीं है। इसमें जो है पॉलिसी का प्रीमियम जो है 149 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि बीमा राशि जो है 25,000 बीमा की राशि जो है 25,000 जो है प्रदान की जाएगी। और बाकी जो है सभी ऑप्शन सही है। यानी इस बीमा की पॉलिसी जो है 18 से 75 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए को जो है कवर करेगा। साथ ही पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष के लिए सीमित की गई है। इस पॉलिसी में उन लोगों को कवर नहीं किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2019 के बाद जो है विदेश में किसी जगह पर यात्रा करके आए हैं। साथ ही उन लोगों को भी नहीं यह सुविधा मिलेगी जिन्हें जो है जिनमें जो है इस कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका बहुत अधिक हो या जिन्हें आशंका के चलते इसके शुरू होने की तारीख से पहले या प्रारंभिक 14 दिनों में जो है कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन किया गया हो या कोविड-19 का जो है उपचार दिया गया हो। बात करें ICICI लोम्बार्ड की, तो ICICI लोम्बार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसके MD और CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट, उत्पादन प्रोत्साहन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी ऑप्शन डी। उत्पादन प्रोत्साहन योजना का संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने है जो है बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए जो है उत्पादन प्रोत्साहन योजना को जो है अभी हाल ही में मंजूरी दी है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन निर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए है जो है भारत सरकार ने उत्पादन प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का जो है प्रस्ताव दिया है। सरकार अगले 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश करने की जो है बात कही है। नेक्स्ट,
मेसिया मोदी, यानी मसीहा मोदी, अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा तौलीन सिंह, यानी ऑप्शन बी, तौलीन सिंह जो है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके द्वारा यह जो है पुस्तक लिखी गई है मसीहा मोदी, अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसमें जो है प्रधानमंत्री के मुलाकात पर जो है मुलाकात के दौरान उनसे हुई बातचीत के आधार पर जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में जो है लिंचिंग से लेकर अनुच्छेद 370, विमुद्रीकरण से लेकर सबसे विवादास्पद कानून जो भी है CAA, इस पर जो है PM मोदी के जो है विचारों पर प्रकाश डाला गया है। बात करें अभी तरुण विजय की, भी अभी फिर पुस्तक आई थी, उनके पुस्तक का नाम था इनविंसिबल और ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर। और निम्नलिखित में से किसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर होगा सत्यरूप सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी, सत्यरूप सिद्धांत को जो है 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय के रूप में जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। साथ ही उन्हें जो है 7 चोटियों और 7 ज्वालामुखियों के शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही के रूप में भी जो है नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये सातों जो है ऊँचे ज्वालामुखी जो हैं, जो सबसे ऊँचा ज्वालामुखी चोटी है वह है दक्षिण अमेरिका में, चिली में है, ओजेस डेल सलाडो। उसके बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया में जो है माउंट किलिमंजारो, और यूरोप में जो है माउंट एल्ब्रस है सबसे ऊंचा, और वह रूस में है। उत्तरी अमेरिका में जो है माउंट पीको डी ओरिजाबा, वह मेक्सिको में है। और एशिया का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वह है माउंट देवबंद, वह ईरान में है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में माउंट गिलुवे पपुआ न्यूगिनी में है। और अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है वह है माउंट सिडली। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही उत्तर होगा शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इन्होंने जो है कमलनाथ का जो है स्थान लिया, और लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 24 मार्च। प्रत्येक वर्ष जो है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व TB दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है TB से स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक TB महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व TB दिवस 2020 की जो थीम है वह है इट्स टाइम। और TB जो है, TB मनुष्यों में आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। और बात करें WHO की, WHO के जो है हेडक्वार्टर है जेनेवा में है, और वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रस एडहेनम। और यह दिवस जो है मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च के दिन ही 1882 में जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा इसके जीवाणु की जो है खोज की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य पुलिस को नागरिकों का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के पुलिस आधुनिकीकरण अभियान के तहत टेसर गन से लैस किया गया है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात पुलिस को जो है नागरिकों का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के पुलिस आधुनिकीकरण अभियान के तहत जो है टेसर गन से लैस किया गया है। इसी के साथ जो है यह जो है पहला राज्य बना जो पुलिस को जो है टेसर गन सौंपा। टेसर गन क्या होता है? टेसर गन एक जो है इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जो अस्थायी रूप से जो है मांसपेशियों के जो है कार्यों को बाधित करता है। यह जो है गंभीर चोट के बिना जो है दर्द कम करने के उद्देश्य से दिया गया एक प्रकार का जो है समझिए बिजली का झटका है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो है विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत, और गिर वन जीव अभयारण्य गुजरात में ही है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने कैश छोड़ो अभियान के तहत तमिलनाडु के करूर में भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एंकासु लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा करूर बैंस बैंक ने जो है अपने कैश छोड़ो अभियान के तहत इस पहले भारत के पहले प्रीपेड कार्ड एंकासु को जो है लॉन्च किया है।
इसमें जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NFC पर काम करने वाली इस कार्ड को जो है खरीदने वाले ग्राहक छोटी से छोटी खरीदारी के लिए व्यापारियों को 1 रुपये की राशि का भी जो है टैप एंड गो के जरिए जो है भुगतान कर सकते हैं और जो है आने वाले छुट्टे पैसों की समस्या से निजात पा सकते हैं। बात करें करूर बेस्ट बैंक की, तो करूर बेस्ट बैंक जो है का हेडक्वार्टर जो है करूर तमिलनाडु में है और इसके एमडी और सीईओ जो है PR शेषाद्री हैं और करूर बेस्ट बैंक की जो टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने से इनकार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इसका सही उत्तर होगा कनाडा। टोक्यो जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था उसमें जो है भाग लेने से COVID-19 की जो है महामारी की वजह से भाग लेने से इनकार करने वाला पहला देश जो है कनाडा बना। हालांकि बाद में जो है इस ओलंपिक को जो है स्थगित करके 2021 तक जो है स्थगित कर दिया गया है। अब जो इस ओलंपिक का आयोजन 2021 में किया जाएगा। बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी जो है टोक्यो है और जापान की मुद्रा है एन। जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। हाल ही में ब्रिटेन भारत के नेतृत्व वाले आपदा प्रबंधन और अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी CDRI के लिए सहयोग करने वाली गवर्निंग काउंसिल का जो है पहला सदस्य बना। CDRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए। यहाँ पे ये भी याद रखना, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है CDRI के लिए सहयोग करने वाली गवर्निंग काउंसिल का पहला सदस्य कौन बना? ब्रिटेन। और CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। CDRI जो है इसको है यह जो है आपदा प्रबंधन और संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन भारत के नेतृत्व वाली जो है वैश्विक जलवायु पहल है। इसकी स्थापना की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में की गई थी। नेक्स्ट, माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी। मेक इन इंडिया के तहत जो है COVID-19 टेस्ट के लिए तैयार की गई माय लैब पैथोडिडेक्ट COVID-19 क्वालिटेटिव PCR किट जो है CDSCO द्वारा मंजूरी प्राप्त करने वाली देश की पहली टेस्ट किट बन गई। इसको जो है माय लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है विकसित किया गया था। लीजेसी ऑफ लर्निंग उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सविता छाबड़ा, यानी ऑप्शन डी। लीजेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक जो है उपन्यास जो है सविता छाबड़ा द्वारा लिखी गई है। यह उपन्यास जो है भारत के युवाओं को पुराने लेकिन प्रासंगिक धर्मग्रंथों से जोड़ने के प्रयास में भगवद गीता की सरल और सहज व्याख्या प्रस्तुत करता है। रुचिका तोमर की एक पुस्तक अभी हाल में आई थी, अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स। इसके लिए यह इनकी पहली पुस्तक थी। इसके लिए इन्होंने पेन या हेमिंग्वे अवार्ड जो है जीता था। और भालचंद मुंगेकर भी की भी पुस्तक अभी आई थी, उसका नाम था माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हाइपरलूप के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए भारत की पहली वैश्विक पौड स्पर्धा का आयोजन भारतीय हाइपरलूप पौड स्पर्धा के रूप में करेगा? इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास जो है भारतीय हाइपरलूप पौड स्पर्धा का जो है आयोजन करेगा। यह प्रतियोगिता जो है विश्व स्तर पर जुलाई में शुरू होकर जो है लास्ट जुलाई तक चलेगी। और आईआईटी मद्रास की आविष्कार टीम 2019 हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली एशिया की एकमात्र टीम थी जिसने भारत का जो है पहला स्वचालित हाइपरलूप विकसित किया है। हाइपरलूप क्या होता है? हाइपरलूप एक प्रकार से बोल सकते हैं परिवहन की 5वीं पीढ़ी है जिसमें जो है अधिकतम गति वाली ट्रेनें वैक्यूम ट्यूब में चलती है। इसमें हवा का घर्षण नहीं होता है, इसलिए जो है पॉड की गति जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है। साथ ही यह जो है ट्रांसपोर्ट के सामान साधन कार या ट्रेन से जो है सस्ता और प्रदूषण रहित तकनीक है। नेक्स्ट, नेटिव फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच किया जाने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन सी। यह जो है संयुक्त अरब नेटिव फ्यूरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है एक की जो है सैनिक अभ्यास है, या जो है 2 वर्ष पे होता है।
जो है वर्तमान में जो है कोरोना वायरस महामारी और ईरान के साथ चलते तनाव के बावजूद भी जो है इसका आयोजन किया गया। यूएई की राष्ट्रपति जो है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है और यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यूएई की मुद्रा है दिरहम। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नामक दवा और इससे बने फार्मूले के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर है मलेरिया। यह दवा जो है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है और अभी जो है इस पर निर्यात के लिए जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि जो है मानवीय जो है आधार पर जो है विदेश मंत्रालय द्वारा इसको जो है इस पर जो है इसके निर्यात पर जो है अनुमति दी जा रही है। नेक्स्ट, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रसुता डोगरा। चंद्रसुता डोगरा द्वारा जो है यह पुस्तक मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक जो है लिखी गई है। यह पुस्तक जो है 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के मिशन के दौरान लापता भारतीय सैनिकों से जो है सैनिकों को को संबोधित होती है जो जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि उनके साथ क्या हुआ, जिसके बाद इस बात पर बहस शुरू होने का आसार है कि सैनिकों को अक्सर सरकारों द्वारा मोहरे के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मो जीवन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में जो है मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत जो है कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से घर के अंदर रहने का संकल्प लेने का जो है आग्रह किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग अपने घर से बाहर जाएंगे तो वे घर पर कोरोना वायरस जो है ला सकते हैं जो उनके परिवार को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट, द इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्लेटफॉर्म जो है कारोबारियों और निवेशकों को कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न पहलुओं पर नवीनतम जानकारी प्रदान करता है और ईमेल तथा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देता है। तो यह सही है। इस प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी सही है। इन्वेस्ट इंडिया ने जो है एमएसएमईज की ज़रूरतों और आवश्यकताओं से जुड़े सवालों के समाधान के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ हाथ मिलाया है। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO हैं दीपक बागला, जबकि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण लागू हुए लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों और गरीब लोगों के लिए कितनी धनराशि के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.7 लाख करोड़ रुपए। 1.7 लाख करोड़ रुपए के जो है राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इस योजना को जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम दिया गया है। इस योजना का नाम क्या दिया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देशों की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं पर निगरानी रखने के लिए ट्रैकर ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इन रिस्पांस टू कोविड-19 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। इस ट्रैकर के जरिए IMF को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकार द्वारा की जा रही प्रमुख आर्थिक प्रतिक्रियाओं की जो है प्रगति को जो है देखेगा। यह पॉलिसी ट्रैकर जो है मौजूदा सामाजिक सुरक्षा नेट और बीमा तंत्र के पूरक विवेकाधीन उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रैकर सदस्यों के द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों की तुलना नहीं करता है क्योंकि इनकी नीति प्रतिक्रियाएं स्टॉक और देश विशिष्ट परिस्थितियों की प्रकृति जैसे विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करती हैं। ये पॉलिसी ट्रैकर जो है 3 स्तंभों के आधार पर जो है प्रतिक्रियाओं को कवर करता है। पहला राजकोषीय, दूसरा मौद्रिक और मैक्रो वित्तीय, तीसरा विनिमय दर और भुगतान का संतुलन। अगर IMF की तो IMF की जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? इसका सही उत्तर होगा इंदौर, यानी ऑप्शन ए जो है शहर को सैनिटाइज करने के लिए
ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर जो है इंदौर बना। यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कोविड-19 महामारी के कारण लगे 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के प्रमुख फिटनेस कार्यक्रम फिट इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ हाथ मिलाया है? इसका सही उत्तर होगा शिल्पा शेट्टी, यानी ऑप्शन ए। भारत सरकार के प्रमुख फिटनेस कार्यक्रम फिट इंडिया ने जो है बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ जो है हाथ मिलाया है। यह समझौता कोविड-19 महामारी के कारण लगे 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान शिल्पा शेट्टी के प्रीमियम कार्यक्रम 21 दिनों में वजन घटाने के कार्यक्रम यानी 21 डे वेट लॉस प्रोग्राम की जो है मुफ्त पहुँच प्रदान करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के साथ जो है मिलकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस QR यानी UPI QR आधारित ऋण किस्त भुगतान सुविधा की जो है शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी ऑप्शन सी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है NPCI के साथ मिलकर UPI QR आधारित ऋण किस्त भुगतान सुविधा की शुरुआत की है। और यह जो है UPI QR आधारित ऋण किस्त भुगतान सुविधा जो है शुरुआत में केवल जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लगभग 40 लाख से अधिक ग्राहकों के लिए जो है उपलब्ध होगी। बात करें जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके प्रबंध निदेशक और CEO हैं अजय कंवल। और NPCI के जो हैं NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो MD और CEO हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आईजेक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा IIT गांधीनगर, यानी ऑप्शन बी। IIT गांधीनगर ने जो है प्रोजेक्ट आईजेक लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है घरों में जो है बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। इस परियोजना की प्रेरणा सर आइजैक न्यूटन से ली गई है, जिन्हें 1665 में जो है लंदन में फैले प्लेग के कारण ट्रिनिटी कॉलेज जो है जो कि कैम्ब्रिज में है वहां से जो है उनको घर भेज दिया गया था। उसी वर्ष करीब जो है उनकी उम्र जो है 22 साल की थी। न्यूटन ने कॉलेज के छात्र के रूप में कुछ अपने सबसे चर्चित सिद्धांतों की खोज की थी इसी जो है घर पे रहते हुए, जिसमें जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी शामिल है। IIT गांधीनगर के निदेशक हैं प्रोफेसर सुधीर जैन। और IIT गांधीनगर की जो स्थापना हुई थी 2008 में। नेक्स्ट, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने जो है सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने और सुरक्षा बलों को इस महामारी से बचाने के लिए जो है ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। नेक्स्ट, कोविड-19 से लड़ने के लिए वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र, यानी ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया के 51 देशों में कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है $2 बिलियन जो है कि वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना यानी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान की जो है लॉन्च की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर साथ आकर ही इस चुनौती से जो है लड़ा जा सकता है। कोविड-19 संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए पूरी मानवता को ही इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र का जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो है वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मंत्रिमंडलीय न्यू समिति ने निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो मंत्रिमंडलीय न्यू समिति द्वारा जो है कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता को जो है CBDT बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जो है मंजूरी मिली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और CBDT जो प्रमोद चंद मोदी हैं CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। CBDT जो है प्रत्यक्ष कर विभाग का एक सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के जो है अधीन कार्य करता है। कोविड-19 के लिए स्व मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर होगा गोवा। गोवा जो है कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना।
इसे जो है गोवा में टेस्ट योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। यह उपकरण लोगों को यह जो है बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचान करने में मदद करता है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं हैं। गोवा सरकार ने जो है अमेरिका की हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स कंपनी इनोवेसर, इसको भी याद रखना है, इनोवेसर के साथ जो है साझेदारी की है, जिसने इस सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च विकसित किया है। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं सत्य। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप को लॉन्च किया। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? यहाँ तो प्रश्न पूछा है नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर एन रवि, यानी ऑप्शन ए आर एन रवि जो हैं नागालैंड के राज्यपाल हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यू रियो हैं। इन्होंने जो है कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप, यानी जो स्वयं की जानकारी प्रदान करे उस ऐप को जो है लॉन्च की है। यह ऐप उन व्यक्ति के लिए शुरू की गई है जिन्होंने 6 मार्च के बाद कभी भी नागालैंड में प्रवेश किया है। ऐसे सभी लोगों को अपनी जानकारी जो है इस ऐप पर देना अनिवार्य होगा। यह ऐप अधिक जोखिम वाले मामलों का जो है पता लगाएगी और उनकी निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस ऐप को जो है वेबसाइट नागालैंड हेल्थ प्रोजेक्ट .org से जो है डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कोरोना स्टडी सीरीज नामक एक प्रकाशन श्रृंखला लॉन्च करने और कोरोना प्रासंगिक पठन सामग्री प्रदान करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर होगा नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट ने जो है लॉकडाउन के दौरान अपने पाठकों की जरूरतों के लिए घर बैठे सभी आयु वर्ग के लिए जो है कोरोना स्टडी सीरीज नामक एक प्रकाशन श्रृंखला लॉन्च करने और कोरोना प्रासंगिक पठन सामग्री जो है प्रदान करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शॉट पुटर पर जो है IAAF द्वारा 4 साल का बैन लगा दिया गया है? तो IAAF यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडी द्वारा जो है भारतीय शॉट पुटर नवीन चिकारा पर जो है 4 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका IAAF का जो हेडक्वार्टर है मोनाको में है। मोनाको जो है यूरोपियन एक कंट्री है, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, उसकी राजधानी जो है मोनाको सिटी है और इसके जो है IAAF के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट, हाल ही में ICICI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत बैंक द्वारा व्हाट्सएप पर दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से बैंक के दिए गए प्रोफाइल नंबर पर हाय संदेश भेजकर उठा सकते हैं। तो यह सही है। इस सेवा के माध्यम से ग्राहक अपने बचत खाते की शेष राशि, पिछले 3 लेन देन, क्रेडिट कार्ड लिमिट के साथ साथ तत्काल प्री अप्रूव्ड लोनों के विवरण का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही सभी संदेशों के लिए एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन के साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड को सुरक्षित रूप से ब्लॉक या अनब्लॉक भी कर सकते हैं। यह भी सही है। ग्राहक अपने आसपास के 3 ICICI बैंक के ATM और शाखाओं का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। ICICI बैंक के जो है प्रबंध निदेशक और CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट, ड्रैगन एक्सेल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए अनुसंधान की आपूर्ति करने योग्य अंतरिक्ष यान। हाल ही में जो है नासा द्वारा जो है SpaceX के जो है नए स्पेस कैप्सूल को एजेंसी के निर्धारित योजना के तहत जो है लूनार कक्षा यानी चंद्रमा की अंतरिक्ष स्टेशन तक जो है कार्गो और आपूर्ति को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है चुना गया है। इसके अंतर्गत SpaceX जो है नासा अनुबंध के $7 बिलियन का इस्तेमाल अपने सबसे बड़े रॉकेट फॉल्कन हैवी द्वारा अंतरिक्ष यान ड्रैगन एक्सेल को जो है लूनार की कक्षा में भेजने के लिए करेगा। नासा अंतरिक्ष के में जो है एक आउटपोस्ट बनाने की योजना बना रहा है और जो अगले दशक में जो है चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ड्रैगन एक्सेल जो है अंतरिक्ष यान को चांद की सतह पर जो है मौजूद भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए अनुसंधान की आपूर्ति करने का जो है काम सौंपा जाएगा ड्रैगन एक्सेल को। नासा के जो प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और नासा का मुख्यालय है Washington DC। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस निगरानी ऐप कोरोना कवच को लॉन्च किया है। इस ऐप को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस ऐप को जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
कोविड 19 ऐप का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्पल। एप्पल ने जो है अमेरिका में अपने यूजर्स के लिए जो है कोविड 19 समर्पित जो है ऐप का ऐप को जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम भी कोविड 19 है। यह ऐप जो है एप्पल के स्टोर पर कोविड 19 नाम से उपलब्ध होगी। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता नवीनतम जोखिम कारकों और लक्षणों के बारे में सवालों के जवाब पाने के लिए नए टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। यह टूल्स खतरे स्तर के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग और स्व आइसोलेशन का जो है रास्ता सुझाएगी, सेल्फ आइसोलेशन का जो है रास्ता सुझाएगी। इसके अलावा एप्पल ने जो है सीरी को जो है सीडीसी से मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करने में भी जो है सक्षम बनाया है। एप्पल का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कितनी धनराशि निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा $100 मिलियन। एडीबी ने जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो है $100 मिलियन जो है निवेश करने की घोषणा की है। एडीबी का जो है गठन 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है एडीबी का मनीला फिलीपींस में है। इसके वर्तमान में जो है 68 सदस्य देश हैं। एडीबी के जो अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। कोविड 19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के दौरान ई पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप प्रज्ञा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है ई पास जारी करने के लिए मोबाइल ऐप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य जो है कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े सभी लोगों को ई पास जारी करना है। इसके लिए जो है झारखंड जिला परिवहन अधिकारियों को ऑनलाइन मोड के जरिए अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद वाहनों को ई पास जारी करने का जो है अधिकार दिया गया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड का जो गठन है 15 नवंबर 2000 में किया गया था, और झारखंड के जो राजधानी है रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र रखने और कोविड 19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से क्वारंटाइन नामक मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो क्वारंटाइन ऐप को जो है IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सुवक खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह टाटा पावर के नॉर्वे की क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी IFC के बीच की संयुक्त उद्यम की परियोजना है। तो यह सही है। यह परियोजना इंडोनेशिया में स्थित है। गलत, यह जो है जॉर्जिया में स्थित है। हाल ही में इसके कमर्शियल संचालन की शुरुआत की घोषणा की गई है। यहां तक सही है, परंतु इसकी क्षमता जो है 258 मेगावाट न के 178 मेगावाट है। तो इस प्रकार जो है सुवा खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जॉर्जिया में। हाल ही में जो है इसके कमर्शियल संचालन की शुरुआत की गई है। इसकी जो क्षमता 178 मेगावाट है, और यह जो है टाटा पावर के नॉर्वे क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बीच की जो है संयुक्त उद्यम की जो है परियोजना है। टाटा पावर के जो है CEO हैं प्रवीर सिन्हा। टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका जो है उत्तर होगा फिनलैंड, यानी ऑप्शन ए। यही फिनलैंड पहले पे रहा, डेनमार्क जो है दूसरे पे रहा, और तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे आइसलैंड, और पांचवे पे जो है नॉर्वे रहा, जबकि भारत की रैंक इसमें थी 144वीं। इसमें जो है 156 टोटल जो है 156 देश थे। 156 देश में भारत की रैंकिंग 144 है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2020 में।
और यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो है एनवायरनमेंट्स फॉर हैप्पीनेस पर जो है विशेष केंद्रित थी, एनवायरनमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। इस रिपोर्ट को जो है 2020 के जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 6 मानकों के आधार पर जो है इसको तैयार किया गया था। पहला प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार का जो है नज़रिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। हाल ही में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली में बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसमें 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इन 3 नई भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी और हिंदी में जो है यह अतुल्य भारत वेबसाइट पहले से ही था। अभी जो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है, चीनी, अरबी और स्पेनिश, इन तीन नई भाषाओं को जो है अब 3 नई भाषाओं में जो है इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, चीनी, अरबी और स्पेनिश। नेक्स्ट, हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल बुक ट्रस्ट। हैशटैग स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल की शुरुआत जो है नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा की गई है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने माल परिचालन, यात्री परिचालन और बुनियादी ढांचा निर्माण और प्रबंध क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु किस देश के इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी के साथ सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी के साथ जो है रेल मंत्रालय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बात करें जर्मनी की, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी के चांसलर हैं एंजेला मर्केल। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोरोना वायरस के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? तो 23 मार्च को 2020 को जो है फीफा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोरोना वायरस के विरुद्ध जो है एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस जागरूकता अभियान का शीर्षक है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। इस अभियान में जो है 28 मौजूदा और पूर्व फुटबॉलरों को शामिल किया गया है, जिसमें मेसी जैसे फुटबॉलर भी शामिल हैं। इसमें जो है भारतीय फुटबॉल टीम के जो है कप्तान सुनील छेत्री को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बात याद रखना है कि पहला किस फीफा ने किसके साथ मिलकर जो है इस अभियान को चलाया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सुनील छेत्री जो है इसमें भारतीय फुटबॉलर शामिल हैं। कुल कितने फुटबॉलर शामिल हैं? 28 मौजूदा और पूर्व फुटबॉलर को मिलाकर 28 टोटल फुटबॉलर शामिल हैं। और इसका जो है अभियान का मुख्य शीर्षक है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। और इसको जो है इस अभियान को 13 विभिन्न भाषाओं में जो है संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब जो है लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। पंजाब की जो है राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनोरे। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो अभी जो है 26 मार्च 2020 को प्रसिद्ध कलाकार एवं वास्तुकार सतीश गुजराल का निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। वह जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे, जो ये थे चित्रकार, भित्ति चित्र कलाकार और ग्राफिक कलाकार में जो है माहिर थे। इस प्रकार उसका उत्तर हो जाएगा ए, वास्तुकार। इनके प्रमुख कामों में जो है दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर की दीवार पर अल्फाबेट भित्तिचित्र शामिल है। उन्होंने दिल्ली में बेल्जियम दूतावास को भी जो है डिजाइन किया था। इन्हें जो है वर्ष 1999 में जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में स्थित जो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल ने
जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो सिक्किम के ग्लेशियर है, हिमालय के जो अन्य क्षेत्र के ग्लेशियर है, उससे कहीं अधिक मात्रा में जो है पिघल रहे हैं। यह जो है इंस्टीट्यूट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन से संबंधित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट, मैक्स 4028 निम्नलिखित में से किसकी एक उन्नत किस्म है? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूँ, यानी ऑप्शन ए। यह जो है अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ARI के वैज्ञानिकों ने जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ARI कहाँ पर स्थित है? पुणे में। और इस यह जो है इस गेहूँ की खास बात है कि इसमें जो है उच्च प्रोटीन है, साथ ही में जो है यह उच्चतर और स्थिर उपज क्षमता वाला एक फल है, मतलब पौधा है। यह जो है डंठल, पत्तों पर लगने वाले फंगस, पत्तों पर लगने वाले कीड़ों, जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं के घुन की जो है उसके जो है उससे प्रतिरोधी क्षमता इसमें है। गेहूं की यह किस्म जो है लगभग 102 दिन में जो है तैयार हो जाती है, 102 दिन में तैयार हो जाती। सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अभी 27 मार्च 2020 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति द्वारा सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य जो है 2019-20 जारी किया गया। यह मौद्रिक नीति वक्तव्य RBI द्वारा COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया। इसमें जो है RBI ने अपने जो है इस नीति के अंतर्गत रेपो दर को जो है 75 आधार अंक कम करके जो है 5.15% से 4.40% करने का जो है निर्णय लिया है। तो इसका सही इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। और साथ ही में जो है रिवर्स रेपो रेट को जो है 90 आधार अंक कम करके 4.90% से 4% करने जो है किया है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला तो 90 आधार से करके जो है 4.00% यानी 4% किया गया है। और सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी MSF का बैंक दर को जो है 5.40% से कम करके 4.65% जो है कर दिया गया है। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को जो है परिवर्तित करके 4% से 3% करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये तीनों सही है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सही है। बी में जो है आधार जो है 90 अंक कम करके 4.90% से 4.0% जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विषयवार QS वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया भर के शीर्ष 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को जो है इसमें जो है शामिल हैं? इसका सही उत्तर होगा 5। 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप जो है सिर्फ 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है शामिल है, जबकि 50 टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में 2। IIT बॉम्बे जो है IIT बॉम्बे 44वीं रैंक पे है और IIT दिल्ली जो है 47वीं रैंक पे। ये दोनों IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली जो है टॉप 50 में शामिल हैं, जबकि IIT खड़गपुर को जो है 86वां स्थान मिला है, IIT मद्रास को 88वां स्थान मिला है और IIT कानपुर को 96वां स्थान मिला है। जबकि अगर बात करें कला और मानविकी में, तो कला और मानविकी में जो है भारत की टॉप संस्था जो है JNU है, JNU को जो है 162वां स्थान मिला है। और इसके बाद जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का नंबर आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय को जो है 231वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने COVID-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिनों के अवधि हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि का बीमा कवर प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 50 लाख रुपये। सभी जो है ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मी जो COVID-19 से ग्रस्त मरीजों की देखभाल में लगे हैं और रोगियों के बीच जो सीधे संपर्क में होने के कारण उनकी जान को खतरा है, उनको जो है 50 लाख रुपए बीमे की जो है बीमा कवर जो है उनको प्रदान की जाएगी। और यह जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही बीमा सुरक्षा जो है लाभार्थी द्वारा पहले जो ली गई अन्य बीमा सुरक्षा है उसके अतिरिक्त होगी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे जो भी हम अन्य वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।